छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे बही खाता के अंतर्गत कक्षा 12वीं में अध्याय 5.1 साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु। तो हम ये बात देखते हैं कि किसी चालू व्यवसाय में जो व्यवसाय चालू है, जो फर्म साझेदारी फर्म कार्य कर रही है, इनमें से यदि कोई एक साझेदार किन्हीं कारणों से फर्म से अलग हो जाता है तो वो साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। तो यहाँ पर या तो फर्म से अलग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि एक फर्म में यहाँ पर चार साझेदार हैं, इनमें से कोई एक साझेदार किन्हीं कारणों से फर्म से आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, अलग हो जाता है, तो वो कहलाएगा अवकाश ग्रहण करना। बाकी बची स्थिति में जो एक बचे हुए साझेदार हैं, वे फर्म को पुनः नए रूप में पुनर्गठित करते हैं और उनके लाभ हानि का यहाँ पर नया लाभ हानि अनुपात तय किया जाता है, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। तो यहाँ पर पहले तो हम अभी इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण किन की आवश्यकता क्या है, ये किन कारणों से होती है। यहाँ हम देखेंगे अवकाश ग्रहण से आशय। जब किसी चालू साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों में से कोई एक या एक से अधिक साझेदार किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष कारण से फर्म से अपना संबंध खत्म करने का निश्चय कर लेता है तो ऐसी स्थिति को हम साझेदारी का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। तो जो भी मैंने बताया कि कोई चालू व्यवसाय है, उसमें से जब कोई एक साझेदार किसी विशेष परिस्थिति के कारण या किसी विशेष कारण से फर्म से अलग हो जाता है, अपना संबंध फर्म से खत्म कर लेता है, तो इसे हम साझेदारी का अवकाश ग्रहण कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर देखें, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार कोई भी साझेदार साझेदारी संलेख के अनुसार फर्म के अन्य साझेदारों की अनुमति से फर्म से अलग हो सकता है। तो साझेदारी संलेख के अनुसार, अधिनियम के अनुसार जो है, जो बातें पूर्व में तय की गई हैं, उसमें फर्म का जो साझेदार अलग होना चाहता है वो अन्य साझेदारों की अनुमति से फर्म से अलग हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्म से अलग होने जा रहा है साझेदार, उसको क्या करना पड़ेगा, शेष साझेदारों को सिर्फ लिखित सूचना देकर फर्म से अलग होने का वो निश्चय कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिनियम के अनुसार जो है, कोई भी साझेदार अपनी मर्जी से कभी भी फर्म को छोड़कर जा सकता है, फर्म से अलग हो सकता है। इसके लिए उसको जो है बाकी बचे साझेदारों को सिर्फ एक सूचना देनी होती है, ये कहलाता है अवकाश ग्रहण की स्थिति। इसके बाद हम देखेंगे कि साझेदारी फर्म से साझेदार के अलग होने की स्थितियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहला कारण तो हो गया कि यदि कोई साझेदार बीमार या स्वास्थ्य खराब होने पर अस्वस्थ है या वृद्धावस्था के कारण वो फर्म के कार्यों का संचालन नहीं कर पा रहा या फर्म में हिस्सेदारी वो अपना नहीं रखना चाहता, तो इस कारण से वो यहाँ पर अपना कारण दर्शाते हुए फर्म से अलग हो सकता है। दूसरा बिंदु जो है यहाँ पर, अन्य साझेदारों से पारस्परिक अथवा मतभेद या सैद्धांतिक मतभेद होने के कारण। यदि चार साझेदार हैं, मान लीजिए इनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार के मतभेद हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक साझेदार जो है, यदि अन्य साझेदारों के साथ उसका मतभेद है, यदि उसकी नहीं पट पा रही, तो ऐसी स्थिति में भी वो फर्म से अलग हो सकता है। तीसरी स्थिति है यहाँ पर, फर्म के अन्य साझेदार द्वारा कानून सम्मत कार्य ना करने के कारण। कोई साझेदार जो है कानून के विपरीत कार्य करता है,
कानून के विपरीत कार्य करने पर। फर्म के अन्य साझेदारों द्वारा जो है उसको फर्म से अलग किया जा सकता है, उसको स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिया जा सकता है। तो चौथी स्थिति है यहाँ पर व्यवसाय में लगातार हानि के चलने के कारण। यदि व्यवसाय में लगातार हानि चल रही है तो इस कारण भी जो है साझेदार फर्म से यहाँ पर अलग हो सकता है। पांचवी स्थिति है जब कोई साझेदार पागल, दिवालिया या देशद्रोही घोषित हो गया यहाँ पर। तो यदि कोई साझेदार जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, ठीक है, वो पागल हो गया है, तो इस स्थिति में भी उसको फर्म से अलग किया जाता है और उसको स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिया जाता है। साथ ही दिवालिया यदि उस साझेदार की जो संपत्तियां हैं वो दायित्व से कम हो गई हैं, तो यहाँ यदि उसने अपना घोषित करवा लिया, दिवालिया हो गया है। और तीसरी स्थिति यदि वो देशद्रोही घोषित हो गया, तो इस स्थिति में भी उसको फर्म से अलग किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु जो है व्यवसाय के उद्देश्य से विपरीत साझेदार द्वारा कार्य करने पर। जो व्यवसाय के उद्देश्य थे उसके विपरीत यदि साझेदार कोई साझेदार कार्य करता है तो इस स्थिति में भी उसको फर्म से अलग किया जा सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं, एक साझेदारी फर्म में साझेदार जो फर्म से अलग हो सकता है या उसको अलग किया जा सकता है, उसके ये कुछ आपके सामने विभिन्न कारण हैं। अब यहां हम देखेंगे कि जब साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है, उस फर्म से अलग होता है, तो इस स्थिति में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो इस संबंध में जो विभिन्न लेखे होते हैं, तो लेखा करते समय हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। तो एक निवृत्त होने वाले साझेदार को उसकी फर्म में जमा पूंजी को वापस करना पड़ता है। जो साझेदार फर्म से अलग हो रहा है, पूंजी है उसको हमें वापस करना होती है। और जब वो पूंजी हमें वापस करना होता है, तो साझेदारी संलेख में तय किए गए प्रावधानों का ध्यान रखना हमें आवश्यक होता है। संलेख के अनुसार जो प्रावधान किए गए थे उनको हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम उन प्रावधानों के तहत इन बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो है शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना करना। जो बचे हुए शेष साझेदार हैं, एक साझेदार के अलग हो जाने के पश्चात जो बचे हुए शेष साझेदार हैं, वे शेष साझेदार अपना नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार से करेंगे, उनका प्राप्ति अनुपात क्या होगा, इसकी हम यहाँ पर गणना करते हैं। दूसरा बिंदु जो है ख्याति का व्यवहार। फर्म की जो ख्याति है उसका जो है लेखांकन हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद अवतरित लाभ संचय एवं कोषों का विभाजन, जो कि जो भी फर्म के अवतरित लाभ थे, संचय थे, कोष थे, इनका विभाजन जो है सभी साझेदारों में यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि जो साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है उसकी भी हिस्सेदारी वहाँ तक उसकी बनती है। फिर उसके बाद संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। यहाँ पर जो उस तिथि तक, जिस स्थिति तक वो साझेदार उस फर्म में कार्यरत था, उस स्थिति तक संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता और सभी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जाए। फिर अंत में निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान, उसकी जो पूंजी के अलावा जो अवतरित लाभ संचय कोष से जिसका हिस्सा है, संपत्ति दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से जो उसका लाभ है या हानि है, और जो उसकी विभिन्न देय राशि जो निकलती है वो उसको भुगतान करना, और अंत में पूंजी खातों का समायोजन। सब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान करने के पश्चात जो बचे हुए पुराने साझेदार हैं, अब उनका नया पूंजी अनुपात क्या होगा, उनकी पूंजी किस प्रकार की होगी, उसका हम यहाँ पर नया समायोजन करते हैं। तो जब भी हम इन लेखों को हम जो है करेंगे, तो उस समय हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यहाँ जो पहली स्थिति है शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो इसकी वैधानिक स्थिति होती है साझेदार की, कि
फर्म से जो है जो उसका हिस्सा बनता है वो भविष्य में जिस तिथि से उसने अवकाश ग्रहण कर लिया उस तिथि के बाद से वो फर्म से की जो हिस्सेदारी है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। फर्म के जो भविष्य के लाभ हैं उनमें भी किसी भी प्रकार का उसका हिस्सा यहाँ पर नहीं रहेगा। तो यहाँ भी हम जो बात कर रहे थे कि आपके अवकाश ग्रहण करते संबंधी जो भी हम लेखे यहाँ करते हैं तो उसमें पहला जो बिंदु है आपका शेष साझेदारों का नया लाभहानि अनुपात व त्याग अनुपात की यहाँ पर हम गणना करें। तो नया लाभहानि अनुपात वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदार व्यवसाय के भविष्य में के लाभों का बंटवारा निवृत्त होने वाले साझेदार के पश्चात करेंगे। यहाँ पर जो है नया लाभहानि अनुपात वो अनुपात है जिसमें बचे हुए शेष साझेदार नए साझेदार को अलग करने के पश्चात जिस स्थिति को साझेदार जो है अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म से अलग हो जाएगा उसके बाद जो शेष बचे साझेदार हैं वो भविष्य में लाभों का बंटवारा किस प्रकार से करें। तो नए लाभहानि अनुपात की गणना जो है भविष्य की अनिश्चितताओं एवं किसी प्रकार के मतभेद को समाप्त करने के लिए निर्धारित की जाती है। तो जो शेष बचे हुए साझेदार हैं उनके बीच आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद भविष्य में ना हो इसके लिए नए लाभहानि अनुपात की पुनः यहाँ पर गणना की जाती है। अब यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना, नए लाभहानि अनुपात की गणना करने के लिए हमें क्या करना है, फर्म के कुल लाभ अर्थात एक के भाग से निवृत्त होने वाले साझेदार का भाग हटा दिया जाता है। यहाँ पर जो साझेदार निवृत्त हो रहा है मान लीजिए एक बटे तीन भाग के लिए वो निवृत्त साझेदार था उसका हिस्सा एक बटे तीन था तो फर्म का जो कुल लाभ है वो हम क्या एक मान लें और एक माइनस एक बटे तीन तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो यहाँ पर फर्म का कुल हिस्सा हो जाता है और फर्म के लाभ का जो शेष भाग शेष साझेदारों के नए अनुपात को निर्धारित करने के लिए बांट दिया जाता है। तो यहां पर हम दो रूपों में देखेंगे, जब शेष रहे साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करते हैं जो पहले प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो बचे हुए साझेदार हैं वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करते जो वो पहले प्राप्त करते। और दूसरी स्थिति जो है यहाँ पर जब निवृत्त साझेदार का हिस्सा कोई एक साझेदार यहाँ पर क्रय कर रहा है, एबीसी तीन साझेदार हैं जिसमें से मान लीजिए बी साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है और सा जो है उसका हिस्सा प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर जो सी साझेदार है वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा प्राप्त कर रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक अध्याय प्रश्न के अंतर्गत उदाहरण हमारे सामने है जिसमें आ और बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। मतलब यहाँ पर 3:5, 2:6, 3:6, 2:6 और 1:6 तो यहाँ ए बी सी जो हैं वो 3:6, 2:6 और 1:6 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। यहाँ जो है सा फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अब अवकाश ग्रहण कर रहा है यहाँ पर वो और वो जो है आ बाबा 3:2 में ही लाभ बांटना तय करते हैं। भविष्य में जो अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो बचे हुए साझेदार हैं वे अपना लाभ हानि अनुपात जो है वो 3:2 में ही लाभ बांटना तय करते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि वे सा के भाग को आपस में कैसे बांटेंगे। तो यहाँ हमारे सामने सा का जो फर्म में हिस्सा है वो कितना है 1:6, 3:5:6, 1:6 ये किसका हिस्सा है सा का, सा यहाँ पर अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ए का हिस्सा जब हम निकालेंगे
या ये जो है साका फर्म में से 1/6 जिसे आप आबाद 3/5 व 2/5 में बांटेंगे। तो यहां पर आका हिस्सा जो है, आका हिस्सा 1/6 का उसका हिस्सा कितना है 3/5 बराबर ये हो गया 3/3। ये जो हिस्सा है ये नया अनुपात है और ये सा का हिस्सा है जो वो छोड़कर जा रहा है। तो यहां पर 1/6 का हिस्सा जो छोड़ के जा रहा 3/5 नए अनुपात में उसको प्राप्त कर रहा, तो यहां पर आ का हिस्सा जो है 3/30। अब पुराना अनुपात जो उसका है आ का 3/6 प्लस ये 3/30 हिस्सा, तो इसको जब हम हल करेंगे यहां पर तो ये 30 × 5 = 15 प्लस 3 बराबर, यहां बराबर 18/30। ये हमने काटा तो 3 = 3/5। ये हिस्सा किसका आया आका, आका हिस्सा 3/5। तो आका हिस्सा जो है ये बना आपका 3/5। इसी प्रकार से यहां हम बाका हिस्सा निकालेंगे, बाका हिस्सा 1/6 का नया अनुपात जो इसका 2/5 बराबर जो हो गया 30 2/30। अब यहां पर जो है 2/30 का जो हिस्सा जो है, इसके बाद इसका जो पुराना अनुपात है आपका 2/6 प्लस 2/30 पुराना अनुपात बी का जो था वो 2/6 और ये जो नया यहां पर आया 2/30 बराबर ये हो गया आपका 30 + 2 बराबर ये हो गया 12/30। ये हमने काटा 2 तो यहाँ जो आगे हिस्से में जो बचा हुआ भाग आ रहा है 12 और 5 बराबर ये यहाँ पर 2/5 ये किसका हिस्सा है बा का। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि आ और बा का, आ बा का नया अनुपात जो है अनुपात 3/5 अनुपात 2/5 बराबर 3:2 ये जो है यहाँ पर यथावत जो है इसी पुराने अनुपात में जो बांटना तय कर रहे थे यहाँ पर 3:2 में उनका नया अनुपात यहाँ पर सामने। एक और उदाहरण हमारे सामने है आ बा और सा साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:2:1 में बांटते हैं, अर्थात यहां पर आ का हिस्सा जो है 2/5 बा का 2/5 और सा का 1/5 हिस्सा। ये 2:2:1
एक दो दो चार और एक पांच, तो आ का आ गया 2/5, ब का आ गया 2/5, स का आ गया 1/5। अब यहाँ जो है बा फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, ये जो है बा ये फर्म छोड़ के जा रहा है, उसका समस्त भाग जो है वो सा प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर उसका सभी भाग जो है बा का हिस्सा जो है पूरा का पूरा कौन कर रहा प्राप्त, सा कर रहा है। तो यहाँ पर जो सा का हिस्सा है, सा का भाग, सा का जो भाग है वो कितना है 1/5, सा का हिस्सा 1/5, ये 2/5 हिस्सा जो बा छोड़ के जा रहा है ये पूरा का पूरा कौन प्राप्त कर रहा है, सा प्राप्त कर रहा है, 1/5 + 2/5 बराबर ये 5 1+2 = 3/5, मतलब सा का अनुपात जो है सा का हिस्सा 3/5 और आ का जो हिस्सा है 2/5 वो क्या रहेगा, यथावत रहेगा, आ का हिस्सा 2/5, तो ये क्या है अपरिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है, अर्थात आ के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि बा जो सेवानिवृत्त हो रहा अवकाश ग्रहण कर रहा उसका पूरा हिस्सा कौन प्राप्त कर रहा है, सा प्राप्त कर रहा, तो सा का हिस्सा यहाँ पर परिवर्तित हो गया 3/5, पहले उसका हिस्सा 1/5 था, अब यहाँ पर उसका हिस्सा 3/5 हो गया, तो अब नया अनुपात जो है नया अनुपात आ और सा का, आ और सा का नया अनुपात जो आ गया आपका 2/3, 2/5 / 3/5 = 2/3, ये नया अनुपात इनका अवकाश ग्रहण करने के बाद हमारे सामने। इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हमारे सामने हैं, साझेदारी के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है, साथ ही अवकाश ग्रहण करते संबंधी जो है हिसाब किताब की संबंधित लेखा करते समय किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है, और तीसरा प्रश्न जो है शेष साझेदारों का लाभ पात हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, समझाइए।